अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद और तवक्का करता हूँ आप सब सही सलामत होंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त सीईओ टूरिज्म भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं। आज इनके साथ खुसूसी बातचीत होगी। भद्रवाह में भद्रवाह वाइब्रेंट फेस्टिवल चल रहा है। जिस तरह आप तमाम लोगों को पता है कि यहाँ पर हर साल कोई न कोई फेस्टिवल आता ही रहता है, जैसे कि भद्रवाह वाइब्रेंट फेस्टिवल है, भद्रवाह समुना फेस्टिवल है, भद्रवाह संगम फेस्टिवल है। तो मेरे साथ सीईओ टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी के हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया क्योंकि आज आप बहुत ही ज्यादा बिजी हैं। आपने इस फेस्टिवल में बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। आपको बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पर आके इस दूरदराज एरिया में आके कवरेज दे रहे, बहुत बहुत सर। सबसे पहले जानना चाहूंगा जो ये आज वाइब्रेंट फेस्टिवल हो रहा है, इससे भद्रवाह को कितना फायदा होगा और कितने सैलानी जो है पिछले दिनों में यहाँ पर आए। मुझे लगता है कि आप ये जान ही गए होंगे, अभी आपके सामने आसपास में कितनी सारी एक्टिविटीज हो रही है, क्योंकि आज हमारा जो वैगम भदवा का पांच रोजा फेस्टिवल कल से शुरू हुआ है, आज उसका दूसरा दिन है। और आज यहाँ जाई घाटी में जाई वैली जो बहुत ही मशहूर जगह है भदवा में, खासकर गर्मी में इस जगह पे तो आपको कहीं जगह नहीं मिलती है। ये पहली बार हुआ बल्कि दूसरे साल कंटिन्यूटी में यहाँ पर इस तरह के एक्टिविटीज टूरिज्म की ओर से की जा रही है। लास्ट भी हुआ था, इस साल भी उसी कड़ी के चलते हुए यहाँ भी ये प्रोग्राम रखा गया है। और ये दूसरा दिन फेस्टिवल का, और टूरिज्म के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आप देख ही रहे हो कि कितना ज्यादा रश है और कितना रेस्पॉन्स है। और आप देखोगे कि या कल भी देखा होगा कि यहाँ पर आज के टाइम कभी इस जगह पे दिसंबर में कोई एक बंदा भी नहीं होता था, लेकिन आज कितना रश है। मेरे ख्याल में हजारों में लोग यहाँ पर हैं, और लोग वो हैं जो बाहर से, बाहर मेरा मानना यह है कि हिंदुस्तान की बाकी स्टेटों से हैं, भारतवर्ष की पूरी स्टेटों से हैं। कल भी मैंने देखा गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इवन बंगाल, मिजोरम के लोग मैंने यहाँ पर देखे हैं। और अब मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि ये भद्रवाह हमारा जो है ऑल टाइम डेस्टिनेशन हो चुका है, और ये नतीजा हमारी कोशिशों का है, कोशिशों का है। आए दिन कई सालों से मेहनत करी जा रही है और अंतिम हो रहा है, बाहर से लोग बहुत आने शुरू। सर, जानना चाहूंगा किन किन चीजों को जो है वाइब्रेंट फेस्टिवल में जो हाईलाइट किया गया, किन किन चीजों को दिखाया गया, जैसा कि फूड जो भद्रवाह का है वहां पर भी जो है स्टॉल लगाए गए थे, टूरिज्म डायरेक्टर भी यहां पर आए थे और उनके साथ साथ बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो किन किन चीजों को हाईलाइट किया गया भद्रवाह। हाँ, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। देखिए, कल फ्रूट में जो स्टॉल लगाए गए उसमें लोकल हमारी सारी चीजें थी, जिसमें हैंडक्राफ्ट का था या लोकल कुजींस थे, लोकल हमारी मिनट्स वगैरह जो थे, जो भी यहाँ लोकल चीज थी वो सब हमने यहाँ पर डिस्प्ले करी थी, और लोग उसको एंजॉय भी कर, खाने बहुत सारे बने हुए थे और लोग एंजॉय कर रहे थे। और इससे मैं एक बात बता दूं कि इससे यहाँ की इकॉनमी को भी बूस्ट मिलेगा। हमने कोशिश करी है कि यहाँ लोग उस चीज से बाहर आ जाएं, लोग अपनी चीजों को बाहर निकालें, अपना ऑर्गेनिक जो हमारा यहाँ का कोई फूड हो, सब्जियां हो, कोई भी चीज हो, उसको बाहर निकालें और टूरिस्ट को पेश करें हमदर्दी से, साफ सफाई से, और लोग वो कर रहे हैं। और हमारे पास आज के दिन में, आज की डेट में कहो तो काफी एंटरप्रेन्योर्स भद्रवाह में हो चुके हैं और लेडीज के कई ग्रुप हो चुके हैं जो इस ओर काम कर रहे हैं। सर, जानना चाहूंगा यहाँ पर एक 4-स्टार होटल बन रहा है, तो कितनी जल्दी उसका काम जो है होगा और कब तक वो खत्म होगा, और जो यहाँ पर बाहर के लोग आते हैं बैठने के लिए क्या उनको यहाँ पर पूरी सुविधा मिलती है। हाँ, मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, आपने ठीक बोला, जहां तक सुविधा की बात है, देखिए जो आज से पहले 10 साल नहीं था वो बहुत हो चुका है। पहले यहाँ पर सिर्फ भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी हमारे ही एसेट्स हुआ करते थे और लोगों को दिक्कतें आती थी, लेकिन अब कुछ सालों से आपने भी देखा कि यहाँ पर बहुत सारे होटल्स, गेस्ट हाउसेस और होम स्टेज बन चुके हैं। मैं ये बताना चाहूँ कि डिपार्टमेंट जो है होम स्टेज को काफी प्रेफर कर रहा है और टूरिस्ट के लिए होम स्टेज ज्यादा अच्छा रह रहा है, क्योंकि होम स्टे में क्या है कि आपको वहां का लोकल खाना मिलता है, घर की तरह आपको माहौल दिया जाता है, और होम स्टेज में भद्रवाह बहुत हो चुके हैं। और जहां आपने बात करी 5-स्टार की, तो ये नालठी के ऊपर बन रहा है, ये एंबियंस ग्रुप ऑफ होटल चेन जो है उनका 5-स्टार है, 4-स्टार नहीं है, और एक अच्छी सुविधा आने वाले टाइम में आप भद्रवाह में देखोगे। और मुझे लगता है कि ये सुविधा जो है इसमें बाहर के लोग अच्छा लुत्फ उठाएं।
सर अगर मैं बात करूं, हर साल जो है यात्री जो है माता वैष्णो देवी आते थे और वहां से उनको पत्नीटॉप जाना पड़ता था बर्फ देखने के लिए, मगर इस साल जो है पत्नीटॉप में भी बर्फ नहीं है, तो मैं अगर कहूं तो भद्रवाह में क्या आज भी बर्फ मौजूद है, अगर सैलानी को देखनी होगी तो वो आ सकते हैं क्या? देखिए देखिए आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि भद्रवाह, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में अभी भद्रवाह एक बहुत ऐसी जगह है जहाँ स्नो पॉइंट हिल डांडा में बहुत बड़ा बर्फ पड़ा हुआ है, और आप भी देख रहे होंगे कि डेली आए दिन वहां पर 5 से 10 हजार हमारा डेली का टूरिस्ट जा रहा है, और उस रश को देखते हुए, और टूरिस्ट वो है, मैं ये बताना क्लियर करना चाहूंगा, क्लियर बात है ये, कोई मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, एमपी, तमिलनाडु, केरला, मतलब मुझे नहीं लगता कोई स्टेट छूटी है, और मेरे पास सबके रिव्यूज हैं जी, रिव्यूज है मेरे पास, और उन जगहों के टूरिस्ट वहां आए हुए हैं, और उस बात को देखते हुए कि भदवा फेस्टिवल जो है वाइब्रेंट भदवा के नाम से हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वहां पर 2 दिन का प्रोग्राम रखा हुआ है, कल और परसों, और वहां बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी, वहां भी एडवेंचर टूरिज्म की सारी एक्टिविटीज, जैसे जारी बाल है, ये अपना जिप लाइन है, साइकिलिंग है, ये पैराग्लाइडिंग है, ये सारी चीजें वहां भी होंगी, साथ साथ में वहाँ कल्चर प्रोग्राम होगा, सेलिब्रिटी, यहाँ के लोकल सिंगर भी वहां पर मौजूद होंगे, और मैं चाहूंगा कि लोग आके इसका फायदा उठाएं। सर आपसे एज ए सीओ, टूरिज्म सीओ, आपसे एक सवाल करूंगा कि जैसा कि आपको पता ही है कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो है बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिनको अभी तक टूरिज्म डिपार्टमेंट ने वहां पर टच भी नहीं किया है, जैसे कि लाल दमन आपने पिछले ही साल जो है टच किया, उसके बाद दल दमन है, नागमी टॉप है, थकरी है, दलादार है, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर टूरिज्म तो जाना चाहते हैं, मगर रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, तो क्या टूरिज्म डिपार्टमेंट इन जगहों को कैप्चर आने वाले टाइम में करेगा? देखिए मैं आपको बात बता दूं, यहां मैं बड़ा स्पष्ट बोलूंगा आपको कि भदवा डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसका जो 160 विलेजेस का है, जो जराला, भदवा और भूसा एरियाज में है, सब कुछ डोडा के एरियाज में है, अनएक्सप्लोर्ड जगहों का है, जिसमें आपने ठीक बोला, लाल दमन है, नागमी है, लाल दमन है, जंतु नहर है, तो भूसा में आप देख सकते हो फेमस वाटरफॉल है, बीर छो है, या फिर भाल पदरी है, नाशा टॉप है, बहुत सारी जगह भलेसा में है, डोडा में है, चराला में है, जानता है अभी, बट डेफिनेटली हम लोग इस ओर कोशिश कर रहे हैं, उस ओर हम डीपीआर कोशिश कर रहे हैं और एक विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं कि आने वाले टाइम में उन सब जगहों को रोड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए और उन जगहों में टूरिस्ट को पहुंचाया जाए, ताकि जिससे हमारा इकॉनमी डेवलप हो, हमारे बेरोजगारों का रोजगार बढ़े, और आने वाला जो टाइम हो इस डोडा भदवा के लिए एक अच्छा समय हो। सर हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मैं ये मैसेज आपके माध्यम से देना चाहूंगा कि अब जो भदवा है वो ऑल टाइम डेस्टिनेशन हो चुका है, और तमाम भारतवासियों से मैं ये निवेदन करूंगा कि वो भदवा जरूर आए, और किसी भी सीजन में आए, चाहे जून हो, जुलाई हो, अक्टूबर हो, नवंबर हो, दिसंबर हो, जनवरी हो, फरवरी, किसी भी सीजन में भदवा में आए, यहाँ का लुत्फ उठाए, यहाँ की वादियों का लुत्फ उठाए, खूबसूरती का लुत्फ उठाए, यहाँ का म्यूजियम का लुत्फ उठाए, यहाँ के लोकल खाना खाए, होम स्टे का लुत्फ उठाए, और यहाँ की जो ऑर्गेनिक चीजें हैं उनको आप देखें, परखें और लुत्फ उठाए। थैंक यू। मेरे साथ टूरिज्म सीईओ भद्रवाह थे, इनके साथ हमारी खुसूसी बातचीत हुई जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों का जिक्र किया, खास करके भद्रवाह वाइब्रेंट फेस्टिवल का जिक्र हुआ। उम्मीद है, तवक्का रखता हूँ, तो बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे और इस जगह को जो है देखेंगे, देखने के साथ साथ में भी इसको एक्सप्लोर ज्यादा से ज्यादा करेंगे, ताकि ये नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर जो है भद्रवाह की तस्वीर जो है मैप पर आएगी, और इंटरनेशनल लेवल से भी यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाजरीन का, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। खुदा हाफिज़।